फ्लॉप हुए आप, फिर क्रिकेट में फ्लॉप हुए आप, फिर बिहार का मुख्यमंत्री बन के पूरे बिहार को डुबा दिए आप, पूरे बिहार को डुबा रहे हैं आप। बिहार में जो आवाज उठा रहा है उसके खिलाफ आप नौवीं फेल हो गए तेजस्वी यादव जी। आपके पिताजी मुख्यमंत्री रहे फिर भी आपको पढ़ा नहीं पाए, आप पढ़ नहीं पाए। और मेरे पिताजी आर्मी में थे, मुझे इंजीनियर बना दिए। किसी भी मंच पे बुला लीजिएगा, आपसे ज्यादा नॉलेज है, आपसे ज्यादा कैपेबल हूँ मैं, आपसे बढ़िया डिबेट कर सकता हूँ। आखिर ऐसा कौन सा मजबूरी था तेजस्वी यादव जी की नौवा से आगे आप पढ़ नहीं पाए? जो आदमी नौवा नहीं पास हो पाया, दसवा में नहीं जा पाया, वो बिहार को क्या चलाएगा? बिहार से बाहर फिर छवि क्या जाएगा? अरे कम से कम तो ग्रेजुएशन कर लिए होते आप, कम से कम, तब ना आपको पता चलता कि छोटा भाई के साथ कैसा व्यवहार करना है, बड़ा भाई के साथ कैसा व्यवहार करना है। तेजस्वी यादव जी, आज मैं 32 साल का हूँ, आप 33 साल के हैं, आप मेरे बड़े भाई हैं, एक साल बड़े हैं, दिल बड़ा कीजिए ना, आइए ना दिल से दिल मिलाते हैं और बिहार को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन ये काम अगर आप नहीं कीजिएगा तो मैं आज भी अपने बात पे अटल हूँ कि आपको जो है मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा, आज भी मैं अटल। अगर आप भारत के पहले ऐसे राजनेता हैं, भारत के पूरे इंडिया के पहले ऐसे राजनेता हैं जिनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे हैं, जिनकी माता जी मुख्यमंत्री रही है, तो मैं भारत का एक आम आदमी हूँ जिसका पिताजी फौजी रहा है और जिसकी माता जी हाउस वाइफ रही है। और आपके पिताजी और माता जी ने आपको क्या सिखाया है वो आप बताइए। मेरे माता पिता ने मुझे ये सिखाया है कि देश के सेवा के लिए सर कटाने का भी नौबत आए ना तो कटा देना, लेकिन देश के लिए पीछे मत झुकना। आप लोगों को जलन है, आप नौवीं फेल हो गए तेजस्वी यादव जी। आपके पिताजी मुख्यमंत्री रहे फिर भी आपको पढ़ा नहीं पाए, आप पढ़ नहीं पाए। और मेरे पिताजी आर्मी में थे, मुझे इंजीनियर बना दिए। किसी भी मंच पे बुला लीजिएगा, आपसे ज्यादा नॉलेज है, आपसे ज्यादा कैपेबल हूँ मैं, आपसे बढ़िया डिबेट कर सकता हूँ। दिल्ली डेरल डेवेंस में आपने ट्राई किया,